हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, किंचू किड़ो हाल है, कैसे काल। आज आप देख रहे होंगे कि मैंने ये टोपी लगाई है, तो उसका मतलब भी मैं बताना पसंद करूंगी कि टोपी बनाई क्यों गई है। और ये पिछले कई सालों से, जब मैंने मेडिटेशन शुरू भी नहीं किया था, तो ये मैं कहीं से लेकर आई थी, मरी से भी आगे के पहाड़ों में जाकर पाकिस्तान से। और ये फिर मैं इतना वजन जो है मैं यहाँ तक ही लेकर आई थी। तो आपको, आप लोगों को पता है कि मैं नमूना बन बन के आप लोगों को डीप अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करती हूँ। समटाइम जब बिगिनिंग में लोग देखते हैं तो सोचते हैं कि यार पागल पागल है, कोई ऐसे आइटम कर रही होती, लेकिन उसके पीछे बहुत गहरा और डीप नॉलेज होता है। तो आज जो नॉलेज है वो ये है कि कुंडलिनी का बॉडी के साथ क्या लेना देना है, या रीढ़ की हड्डी के साथ क्या लेना देना है। तो इस जो टीला बनाया गया है, ये टीला, ये दायरा, ये मरी से आगे के पहाड़ों का है ये आइटम। तो आप अक्सर देखते होंगे कि वहां के लोग इस टाइप की ऊपर उठने वाली टोपी पहना करते थे, जो आज से कई हजार साल पहले का नॉलेज है। और सबको, खवातीन और मर्द को बताया जाता था कि इस टाइप की टोपी, सर ढकना नहीं है, सर को कैसे ढकना है, कैसे आप एनर्जी बिल्ड कर सकते हैं, कैसे एनर्जी गेन कर सकते हैं। तो ये उस पर्पस के लिए टोपी बनाई गई थी, और खवातीन को जरा सी हैवी टोपी दे दी गई थी ताकि उनके प्रेशर रहे माइंड पे, और वो एनर्जी जो है वो, क्योंकि उन लोगों का काम बाहर भी झांकना था और अंदर भी झांकना था उस दौर में। तो ये टोपी उस दौर की है, पुराने दौर की है, तो इसका मतलब मैं जरूर बताऊंगी। और अगर आपके सवाल आते हैं कि इस टीले का क्या मतलब है, तो ऑफ कोर्स आई एम गोना एक्सप्लेन। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कोई इस टीले के बारे में क्वेश्चन करेगा। तो मैंने आज जो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, शॉर्ट इंफॉर्मेशन दूंगी, और अच्छी गहरी होगी वो, यानी दो चीजों के बारे में आप लोगों को मैं बताना जरूरी समझती हूँ। जब जब मुझे जब नॉलेज गेन होता है या सम रीजंस कहीं से आता है मेरे पास, तो मुझे ऑर्डर भी आता है कि मैं शेयर करूँ। ठीक है, मैं नजरिया नहीं बताऊंगी क्योंकि वो आप लोगों को यकीन भी नहीं आना, और फालतू भी है वो, तो यकीन दिला के करना क्या। लेकिन मैं साइंटिफिक बॉडी का सिस्टम बताने की कोशिश करूंगी। तो सुनिए, जो हमारी बैकबोन है उसके उसका सिरा यहाँ पे है, ठीक है, सब जानते हैं, और बिल्कुल आखिरी हिप्स के बीच में टेल उसकी जाके खत्म होती है। ठीक है, तो इन दोनों का लिंक क्या है। ठीक है, ये ऊपर की टेल और नीचे की टेल, इन दोनों जगह पे लॉक्स लगे हुए हैं, बंद बंद किए हुए हैं, कुदरत ने बंद किए हुए हैं। क्योंकि जब जब नॉलेज कम होता चला गया है, तब तक लॉक लगते चले गए हैं और लोगों की अवेयरनेस खत्म होती चली गई है। तो अब क्या है कि पावर, जैसे कुंडलिनी कहते हैं, कुंडलिनी है क्या, आज मुझे वो बताना है, कुंडलिनी एक्चुअली क्या चीज है। तो कुंडलिनी जो है वो है आपकी एनर्जी, बॉडी की ग्रेट, एक थोड़ी सी एनर्जी आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं, लेकिन आपके अंदर समंदर जितनी एनर्जी है, आई मीन समंदर जितना चौड़े में नहीं है लेकिन ताकत में उतना ही है। कमाल की बात है ना, अजीब सी बात है लेकिन ऐसा ही है। चूंकि हमें इस बारे में पता नहीं है, हम हमारे पास एक कुदरती तीसरी आंख भी है, जिसका हमें कई लोग इतबार करते हैं, कई लोग नहीं करते। तो जो नहीं करना चाहता वो नहीं करता। ये कौन आया, कौन, मैं अभी एक सेकंड में लेती हूँ, जो कोई भी है। ठीक है, आप अपना थोड़ा सा तारुफ करा दें, यहाँ पे लिख दें मुझे, मैं पढ़ लूंगी। ठीक है, नाम लिख दें और क्वेश्चन भी। ठीक है, तो बहुत पुराना है, मैं पहले इनको फारिग कर दो, कौन है, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम,
क्या हाल है भाई? मैं ठीक ठाक मैम, आप सुनाइए, आपका क्या हाल है? ठीक मैं है। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। कैसा हाँ जी, चल रहा माशाल्लाह, है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, मैं आपका बहुत फैन हूँ, सपोर्टर हूँ, और माशाल्लाह 1.5-2 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आपकी जो एक्टिविटीज हैं, वीडियोस हैं, ट्रेनिंग है, वो अच्छा, मैं वॉच करता हूँ, और उससे बहुत बेनिफिट्स होते हैं लाइफ में भी और हेल्थ को भी, और बहुत अच्छी गाइड्स करते हैं। मैं सारे हान अल्लाह वाले हैं, जो उनका मैं स्टूडेंट हूँ, और मोहम्मद सदीक साहब हैं जेविडिनियस एटलांटा जॉर्जिया USA में, उनका मैं स्टूडेंट हूँ, और यूट्यूब पर ब्लॉगिंग करता हूँ। और मैंने कहा कि चले मैम को मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, चले आज लाइव स्ट्रीमिंग में उनसे भी आइडियाज वगैरह ले ले, बातचीत कर ले, और क्या पता है दूसरे को भी बहुत क्वेश्चन आते हो, जो मुझे जो मैंने करने हो वही क्वेश्चन उनके हो, तो मैं कह चले आज मैम से मैं भी। बता देती हूँ, जी मेरा जो टॉपिक है ना, आप अपना नाम जी बताए, जी मैं क्या नाम है? जुल्कनैन अली हैदर। जी अच्छा, अली। शॉर्टकट में जाऊंगी क्योंकि अली काफी है, ठीक है ना जी नाम? तो जुल्कनैन कह ले, जुल्कनैन। अब ये है कि सवाल जो है वो बैकबोन के लिए है, और जी जी कुंडलिनी जो वो पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिकन्स में, ब्रिटिशर्स जी जी में, जी स्वीडन में, पूरी दुनिया में मशहूर है कुंडलिनी, और अब पाकिस्तान में जी भी जी मशहूर हो रही है, ठीक है? तो जी इसके बारे में आपके जहन में कोई सवाल हो तो जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इसके बारे में बताना चाह रही हूँ कि हमारी जो कुंडलिनी जो है वो कैसे रेज अप होती है, उसका क्या लेन देन है हमारा। अगर आप खामोश थोड़ी देर रुकेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, और अगर किसी को सवाल आ रहा है और कोई ज्वाइन, लेकिन थोड़ी देर में ज्वाइन करें मुझे, मैं आपको अभी फिर नीचे लेके जा रही हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद ऊपर आप सुनेंगे मुझे तो आपको क्वेश्चन आएंगे तो वो मुझसे करिएगा। फिलहाल मैं आपको निजी स्टूडियो में रख रही हूँ, ठीक है? ताकि लोग भी आपका वेट करें, जब आपके सवाल होंगे आप लिख लें, जो भी मैं बोलूंगी आप लिखें और मुझसे सवाल करें, ठीक है? अच्छा, तो जुल्करनैन जो है वो अभी स्टूडियो में है, मौजूद हैं, और उनको थैंक यू सो मच जुल्करनैन कि आप मेरा वीडियोस देखते हैं, और मैं अल्लाह के लिए करती हूँ, इस कायनात का जो वाहिद गॉड है, खुदा है, ईश्वर है, रब है, साईं है, सिर्फ उसके लिए मैं ये एनर्जीज, वो मुझे समहाउ मुझे नॉलेज मिल जाता है और मैं उसको शेयर करना पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर हम वन बाय वन ये शेयर नहीं ऑन करेंगे तो ये बिल्कुल ही फेड आउट हो जाएगा और बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मैं बता रही थी कि आपकी रीढ़ की हड्डी का एक पॉइंट और नीचे का पॉइंट, ऊपर एक लॉक होता है, नीचे एक लॉक होता है, और पीछे नीचे जो है पूरी की पूरी आपकी फुल फोर्स पावर होती है, ठीक है? तो इस फोर्स को हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, सिर्फ डेली बेसिस के कामों में यूज करते हैं। डेली बेसिस के कोई भी ऐसी एनर्जीज होती हैं, टेंशन की होती है उसमें यूज कर लेते हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, उसमें यूज कर लेते हैं, या हम अपनी जॉब ढूंढने में यूज कर लेते हैं। मतलब ये छोटे, मतलब इतनी एनर्जी यूज होती है, इससे ज्यादा आपकी एनर्जी यूज नहीं होती। अब इसको इकट्ठा कैसे किया जाए? एक दफा आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से यूज होती है जब एक इंसान आपकी बॉडी से निकल कर दूसरे की बॉडी में बिल्ट होता है, ठीक है? ये पूरी फुल फोर्स होती है, यहाँ पे आपका माइंड जो होता है वो बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी पे होता है, और यहाँ पे एक आप बच्चा बिल्ट करते हैं जो एक फुल पर्सनैलिटी होता है, फुल, कभी कभी वो पैगंबर बनता है, कभी वली बनता है, कभी साइंटिस्ट बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी, यानी इतना बड़ा दिमाग आप उस एनर्जी से बिल्ड करते हैं। लेकिन जब उस वक्त उस फॉर्म में होते हैं, आपका ब्रेन उस वक्त फ्री होता है, तो वो पूरी की पूरी एनर्जी यूज होती है। अब क्या है कि जब वो एनर्जी बस उस काम के लिए ही फिर बच्चे बनाए जो, फिर आप, क्योंकि आपको पता तो है नहीं कि बच्चे बनाने हैं, और बच्चे अगर बनाने हैं तो मेरा मकसद क्या है बच्चे बनाने का? बच्चे पैदा
देने वाला तो जाहिर है ऊपर की जात है, आपकी बॉडी इस स्ट्रक्चर से बनाई हुई है तो वो आपको प्रोवाइड तो करेगा, जो आपके पास बॉडी में वो है खसूसियात है उसका यूटिलाइज तो होगा। लेकिन बच्चे बनाने क्यों हैं ये कोई नहीं सोचता। बच्चे हो मेरे पास, आई लव चिल्ड्रन, आई लव दिस, आई लव दैट, यू नो, लेकिन क्यों चाहिए बच्चे? सिर्फ मोहब्बत के लिए चाहिए आपको, खेलने के लिए चाहिए, एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, किस लिए चाहिए? यहाँ पर जो योगी होता है, जिसका ये टीला ऑन होता है ऊपर का, वो ऐसा बच्चा क्रिएट करेगा अपने माइंड से पूरी एनर्जी के साथ कि मुझे बच्चा इसलिए चाहिए कि फलां काम के लिए, फलां लोगों के लिए, फलां जगह पे जब उसका ऑन होगा पूरा का पूरा, रीढ़ की हड्डी से नीचे से ऊपर पावर जा चुकी होगी, उस शख्स का बच्चा दुनिया में सबसे बड़ा इंसान बनता है। क्योंकि वो सोचकर बच्चा पैदा करता है कि भी या परवरदिगार, मैंने इतनी इबादत की है, अब मुझे औलाद ऐसी हो कि मेरे से आगे काम करे, मेरे से ज्यादा बढ़ चढ़कर दुनिया के लिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल बने कि दूसरों को सहूलत मिल जाए उसके पैथ पर चलने के लिए, उसके रास्ते को फॉलो करने के लिए, ये सारी चीजें। तो अब अननोन पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन और नॉन नॉलेजेबल पर्सन, जब इन बच्चों, इनके बच्चे होते हैं तो फिर उनके डिफरेंसेस आपको पता लग जाएंगे कि इंटेलिजेंट दिमाग, जब मियाँ बीवी जब होते हैं यहाँ से इंटेलिजेंट, तो उसकी औलाद ऑटो, जाहिर डीएनए आएगा, आपकी हरकतें, आपकी सोच, आपका वैल्यू ऑफ लाइफ, सारा कुछ आपके डीएनए में ट्रांसफर होकर ब्लड के थ्रू आपकी बच्चों में भी आएगा। मतलब सिंगर का बच्चा अक्सर ऐसी जबरदस्त सिंगिंग कर रहा होता है, आर्टिस्ट का बच्चा हमेशा ऐसी जबरदस्त एक्टिंग कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो उस प्रोसीजर से उसका पेरेंट गुजर रहा होता है, तो वो चीज, उस थॉट उसके चल रहा होता है, तो वो पूरी की पूरी डिप्रेशन में आप रहेंगे, डिप्रेशन में अगर रहेंगे आप, तो डिप्रेस बच्चा पैदा होगा, वो दुनिया में कभी भी आकर किसी से भी कुछ नहीं होगा। अगर आप डिप्रेशन में बच्चा पैदा कर रहे हैं, मर्द हो या औरत हो, दोनों की एनर्जी एक ही है ना, दोनों मिलेंगे तो दोनों, अगर एक भी जरा सा खुश हुआ और एक डिप्रेशन में हुआ, तो बच्चे की कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि वो कभी खुश होगा और कभी दुखी होगा, मतलब दोनों एनर्जीज उसमें आएंगी वो। लेकिन अगर दोनों मियाँ बीवी इंटेलिजेंट और खुश और समझ चुके हैं इस दुनिया को, तो उनकी औलाद फिर खजाना है, क्योंकि वो फिर देकर जाएगा इस दुनिया को, अपनी ड्यूटी पूरी करके जाएगा जमीन पर आकर। हमारी ड्यूटी बच्चे पैदा करना, मियाँ बीवी रहना, दौलत इकट्ठी करना, खाबे खाने, ये सारा कुछ तो नहीं है ना, हमारा तो पर्पज ही कुछ और है कि हमने दूसरों को खुश रखना है। दूसरों को कौन खुश रखता है? सूरज रखता है खुश, खुद जल रहा है, खुद भुन रहा है, आग बगोला हुआ वक्त, लेकिन आपको जो तपश मिल रही है, आपको तो लाइफ मिल रही है, आपको तो सांस मिल रही है, उससे आपको सर्दी गर्मी से बचाव मिल रहा है, मतलब पूरी जिंदगी आपको स्ट्रेंथ मिल रही है सूरज से, लेकिन खुद उसका क्या हाल है? ठीक है, तो लेकिन गॉड ने उसको इसी तरह से क्रिएट किया है कि वो, भाई तुम्हारी ये ड्यूटी है, भाई ये कर लेना, तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं ऑफ कोर्स करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, अगर मैं किसी के काम आ सकता हूँ तो मैं जरूर आऊंगा, चाहे खुद सड़क स्वाहा हो जाऊं। तो हवा का भी यही काम है कि वो, उसको क्या मिल रहा है आप लोगों से? कुछ भी नहीं, आपके फेफड़ों में जाकर बाहर गंदा, गंदगी सारे लेकर बाहर, अच्छाई लेकर अंदर, बुराई लेकर बाहर, अच्छाई लेकर अंदर, यानी कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन आप जो अपने फेफड़ों का गंदबला बाहर फेंक रहे हैं, तो वो मतलब वो क्या मांग रही है हवा आपसे, क्या मांग रही है जमीन, जिस जमीन पे आप चल रहे हैं, तो वो जमीन आपसे वापस में पैसे कितने मांग रही है, या कितने कह रही है कि मुझ पे पौधे लगा दो, मुझे पानी दे दो, आवाज देती है आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और क्या है, आसमान, जो आसमान जो हमें, वो जो ये जो है जिसका ताल्लुक आसमान से है, ये टोपी जो मैंने लगाई है खास तौर पर,
नमूना जो मैं बनती हूँ, या नमूने का मतलब होता है एग्जाम्पल, ठीक है, मैं एग्जाम्पल बनकर आपके सामने बैठती हूँ ताकि आप लोगों को इस पुराने नॉलेज को अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से है मेरे पास, क्यों है मेरे पास, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आज से 20 साल पहले जो मैंने एवं नहीं थी, एवं लोग नहीं लेते ऐसी चीजें, वो कहेंगे क्या यार हमारा थोड़ी है वो बस यहाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ मेरा है, मुझे कुछ बस अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, इसके पीछे रीजन अब मुझे पता है कि सब चीजें मुझे अट्रैक्ट क्यों करती थी, क्यों मैं इन पे पैसे लगाती थी, क्यों इनका वजन उठाकर दूर दूर से लेकर आती थी, इवन अमेरिका तक ले आई थी। सोचे जरा, बारी बारी और चीजें भी दिखा दूंगी मैं आपको कि भाई किस टाइप की चीजें मैं रखा करती थी। डुगडुगी हो गई, उसका बड़ा ताल्लुक है कायनात से, बड़ा ताल्लुक है आसमान से, यानी कि पूरी वाइब्रेशन होती है डुगडुगी बजाने से, पूरी नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। कमाल है ना, कमाल है। वो भी मैंने पता नहीं आज से तकरीबन 15-20 साल पहले मैंने कराची से ही लिया था, जो है जन्म मार्केट, पता नहीं क्यों लिया था, बट अब मुझे पता है क्यों लिया था, क्यों ऐसी चीजें मुझे शुरू से अट्रैक्ट करती थी। ए ग्रेट नॉलेज, थैंक यू। तो रीढ़ की हड्डी के बारे में बार बार मैं जाती हूँ, फिर मेरा मोशन जो है दूसरी तरफ, ज़ाहिर है पूरी तरह से आप लोगों को बात का पता नहीं चलेगा तो फिर समझ भी नहीं आता, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इधर उधर डिटेल में चली जाती हूँ। हमारा जो पिक पॉइंट है यहाँ पे और नीचे का है, काश के मेरे पास एक बोर्ड हो और मैं, हालांकि मुझे ड्राइंग वगैरह तो पता नहीं आती, लेकिन मैं कोशिश जरूर कर सकती हूँ। मुझे उसके लिए बोर्ड चाहिए, चॉक चाहिए, ताकि मैं उसको बना के दिखाऊं कि कैसे कुंडलिनी पावर जो है, पावर उसको कुंडलिनी को पावर कहते हैं इंग्लिश में, और हम ताकत कहते हैं और एनर्जी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ओके। मैं अभी लेती हूँ मैसेजेस, ठीक है, सुन लो, गौर से सुनो मैं क्या कह रही हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज है, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग ये सुने और अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड और नॉलेज गेन करें अपने बारे में। अदर्स के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, खुद को पहचानना, खुद को जानना, हमारी फोर्सेस कहाँ है, हमारे जो एक पंखे से लगे होते हैं इनविजिबल पंखे, लेकिन जब आप मेडिटेशन में चले जाते हैं तो आपको पंखे दिखाई देने लग जाते हैं, फ्लावर्स की शक्ल में होते हैं, उसके पेटल्स होते हैं, उसके अंदर कुछ अलग से निशान और चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन लेटर ऑन दिखाई देती है, फौरी नहीं दिखाई देती, लेकिन आप उसको ओन करने के लिए आपको थोड़ी एक्सरसाइजेस और थोड़ा अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम आते हैं नीचे का जो एक, जैसे यूं आ रही रीढ़ की हड्डी नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आते के साथ ना उसका वो ट्राइंगल बन जाता है ऐसे करके, बिल्कुल कोने से यूं करके ट्राइंगल बनता है, और इसके ऊपर एक गोश्त का टुकड़ा होता है, यू कैन सी दैट बोन, और वो टुकड़ा भी देख सकते हो, इवन यू कैन सी दैट ऑल्सो, वो इनविजिबल नहीं होता, और ऊपर का जो टुकड़ा है वो भी इनविजिबल नहीं होता। वो क्या होता है, जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं तो वो नीचे का जो पार्ट है, मतलब हायर एनर्जी को, बलि बनने का चक्कर हो आपको माइंड में आ जाए कि मुझे ये बनना है, यहाँ तक पहुंचना है, तो ये नीचे का लॉक को खोलना होता है, जहाँ आपकी समंदर से भी ज्यादा एनर्जी पड़ी, मतलब जितनी ताकत समंदर में है ना उतनी ताकत आपके इतने से पोर्शन में है, लेकिन उस पोर्शन को ऑन करने के लिए आपको ये ब्रीदिंग जो है इसकी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, पड़ती है, और वो जो जिसको कहते हैं जो सांप लगा 3 राउंड लगे हुए, जो गोश्त का एक टुकड़ा होता है और उसका जो मुंह होता है नीचे से जुड़ जाता है यूं करके लॉक, कुदरती बना हुआ आते हैं हम लोग, लेकिन चूंकि हमें टीचर मिलना होता है, जो भी आता है वो जुगारों में जाकर इसको मेडिटेट करके उसको ओपन करता है, इसके लिए प्राइवेसी बहुत जरूरी है, इसमें अकेला रहना बहुत जरूरी है, और अगर आप अकेले नहीं होंगे तो फिर आपको दुनियादारी के मामलों में इतना उलझते हैं
जितना भी खुलता है वो फिर ऐसे हो जाता है, नुचड़ पुचड़ जाता है, फिर ऐसे लॉक लग जाता है, क्योंकि ये है सिस्टम, ये कुदरत का सिस्टम है। और जो लोग चले जाते हैं पहाड़ों पे, चले जाते हैं, बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, अपने गुरु के साथ होते हैं, टीचर के साथ होता है, उनको फिर राइज मिलता है, वो फिर बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे होते हैं, वो कहीं से ऐसे बैठे हुए दवाई भेज सकते हैं, ब्लेस भेज सकते हैं, दूर से ही आपको इलाज कर देते हैं, सब कुछ ऐसे, मतलब दूरी होती ही नहीं है, फिर दूरी मिट जाती है, बिल्कुल एनर्जी टू एनर्जी हो जाता है। मगर आपने, अगर आपने मतलब सीख लिया और उस बंदे को फील कर लिया, तो रॉक स्टार रहानी मानो यू आर द ठीक है प्रवीण पटेल जी, थैंक यू सो मच। तो मैं आज कुंडलिनी और उसकी पावर के बारे में और आपकी बैकबोन के बारे में बता रही हूँ। तो बैकबोन के नीचे का जो पार्ट है, वहां से मैंने शुरू किया है, तो वो हम सांसों के थ्रू ठक 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 ब्रीदिंग करते हैं, या कुछ भी ना करें, कोई मेहनत ना करें, तो बैठ जाएं, सिर्फ बैठकर ध्यान कर लें, यहाँ का ध्यान कर लें, सांस पे ध्यान कर लें, तो वो खुलना शुरू हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगता है उसमें, लेकिन वो हो जाता है। फिर लगे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, इस तरह से बैठना पड़ता है। अगर आप कोई एक्सरसाइजेस नहीं करना चाहते, सिर्फ मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो वो आपकी रीढ़ की हड्डी को, वो लॉक जो है नीचे, धीरे 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 खुलता है, और गोश्त का टुकड़ा जो है वो नीचे की तरफ जाता है, यूं, ठीक है, और आपकी इस नाक के दरमियान, यहाँ पे बहुत इनविजिबल टाइप एक पाइप होता है, जस्ट लाइक सांस की पाइप, ठीक है। अक्सर आप देखते हो ना, यूं करके घूमते हुए कुंडलिनी दिखाई देती, तो वो आपकी सांसें हैं। सांस आपकी पेट से शुरू, नीचे बिल्कुल पेड़ों से सीधी आती है, और यूं जाती, फिर यूं आती, फिर यूं जाती, फिर यूं आती, तो वो कुंडलिनी सांप की तरह घूमती है। तो इसलिए जब आपको सांस पे अबूर हासिल हो जाता है, तो इट मींस के आपने अपने सांपों को कंट्रोल कर लिया है। इधर की सांस उधर, उधर की सांस इधर, तो वो धीरे धीरे जो नीचे का जो लॉक खुलने के बाद वो टेल खड़ी हो जाती है उसकी। तो जैसे जैसे खड़ी होती है, तो आपकी जो सेंटर की जो लाइन है, इसके अंदर गूदा टाइप को, जैसे थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर के अंदर पारा होता है, तो जब आप मुंह में रखते हैं, तो पारा जो है पिघल कर गर्म होने लग जाता है, ठीक है। जो पिघल कर गर्म होता है, तो आपका टेम्परेचर बताता है कि आपने, आपको कितना टेम्परेचर, बिल्कुल इस तरह से जब आप सांसों की ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते रहते हैं, करते रहते करते रहते करते रहते हैं, तो क्या होता है कि वो पारे की तरह ऊपर चढ़ता चला जाता है, और आपको महसूस होता है वहां उस एरिया में खुजली शुरू हो जाएगी, वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, सब कुछ, और या फिर हीट शुरू हो जाएगी, हीट होना शुरू। अगर आपको बहुत अच्छा जा रहा है, तो आपको हीट फील होगी कि यहाँ पे ऊपर कुछ चढ़ रहा है, तो वो सेंटर की नाड़ी होती है जो मिडल में होती है, और यही आपको, इसको अवेकन लाइन भी कहते हैं, अवेयरनेस की लाइन भी कहते हैं। ये सांसों को आपने लेवल में कर लिया, और वो यहाँ तक आ गया, और फिर यहाँ तक आ गया, फिर आपका पाइनल ग्लैंड पर पहुंच गया, तो यहाँ का भी लॉक खुल गया, इस तरफ जो पीछे बिल्कुल नेक के जहां पे रीढ़ की हड्डी डन होती है, और हमारा सर जुड़ा हुआ है वहां पे, जहां पे डन होती है वहां पे भी एक लॉक है, लेकिन वो इतना हार्ड नहीं होता, वो बस नीचे से फोर्स मिली तो वो लॉक खुलना शुरू हो जाता है, लाइक किसी ने टाई किया हुआ तो टाई खुल गया। तो और बहुत सारा कुछ है बताने वाला, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी, और शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी, ताकि आप लोगों को जो वीडियो लेना हो वो आप उठा लें। ठीक है तो यकीनन आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा कि मैंने क्या बोला है, कि आपके दो नथनों के दरमियान और आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर की लाइन, यानी कि सांस आपकी महसूस आपको आगे की तरफ होता है, लेकिन चलती वो पीछे की तरफ है, हड्डी के अंदर से जाती है, और हड्डी के अंदर से ही आती है, आपको इस बात का पता होना चाहिए। मैं अगर कोई चीज सीखती हूँ, कोई स्पिरिचुअल चीज सीखती हूँ, तो उसका जब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, तो मैं उसको रद्द कर देती हूँ,
जब मेरा सेंस मेक नहीं करता तो मैं उसको लर्न नहीं करती और आगे पहुंचाना नहीं चाहती, या जब तक मुझे पूरी तरह से उसको गहराई में समझ ना आ जाए तब तक मैं उसको दूसरों तक पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं समझती कि ये अच्छी बात नहीं है। अधूरा नॉलेज जो होता है वो दूसरों की जिंदगी खराब कर सकता है, दूसरों को बर्बाद कर सकता है। लोग शौक शौक में करने शुरू हो जाएं और फिर उसके बाद उनको पता ही ना हो आगे क्या करना है। तो बहुत जरूरी है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कोई भी करना चाहता है तो वो एटलीस्ट मुझसे पूछ ले कि भाई मैं ये करना चाह रहा हूँ, कितना करना चाह रहा हूँ, शुरू में क्या करूँ, एंड में क्या करूँ। इधर ही मैसेज कर सकते हैं, मतलब जरूरी बात करें, कैसी हैं आप, हाउ आर यू, फलाना ढिकाना। इसके अलावा मुझसे बात करें। और ये जो ज्ञान है, ये जो रह गया है ज्ञान, मैं नहीं चाहती वीडियो लंबी हो। ये कितने मिनट की हो गई है? हाँ, 25 मिनट्स ऑलरेडी हो गए, टू मच हो गया। तो मैं इस टोपी के बारे में आपको जरूर बताऊंगी कि पहले जमाने में ये क्यों पहनी जाती थी, सर को ढकना क्यों होता था। सर को हर बंदा ढकता था, इस जमीन के ऊपर हर बंदा ढकता था। क्यों और कैसे ढकता था? लग रहा है मुझे याद रहे ये टफ की याद रह जाए तो फिर मैं बोलना शुरू करूंगी। गुड जॉब, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मैं सबके एक एक दफा ये दिखा दूं, मैसेजेस ऊपर चले गए हैं। किसी ग्रेट हो, ओके, ये क्या है जी? हेलो हेलो, लुकिंग प्रीटी गुड। हाँ जी, ग्रेट नॉलेज। और अजय, ये क्या है? हाय मैम, पटेल साहब, पटेल रॉक स्टार। चलो, ये हो गई आप लोगों से ग्रेट मुलाकात। और है ये क्या लगा दिया मैंने? हाँ, तो आप लोगों से छोटी सी मुलाकात हो गई है और मेरे जहन में बार बार बार, आज मैं बहुत खुश थी, पता नहीं आज मेरी, मैं ऐ ही मुस्कुराए चली जा रही थी, तस्वीर करते हुए मुस्कुराए चली जा रही थी। और मेरी ऑरा जो था बहुत पुरसुकून और बहुत हैप्पी था। तो फिर मैंने कहा मैं शेयर करती हूँ, और मुझे आप लोगों से बहुत कुछ शेयर करना है, बहुत कुछ बताना है। और जैसे जैसे मैं लर्न कर रही हूँ, जैसे जैसे मैं जिंदगी को आगे बढ़ा रही हूँ, और अगर मुझे 20 साल जिंदगी के और मिले तो हो सकता है फिर मैं और ज्यादा नॉलेज। दुआ करिएगा आप लोग, जैसे मैं करती हूँ सबके लिए, मेरे लिए दुआ करिएगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सकूँ, लोगों के काम आ सके। और हाँ, बताना भूल गई कि मुझे लोग जो मैसेजेस करते हैं, प्लीज मेरे इस पे प्रोफाइल पे मैसेजेस किया करें। मुझे पेज पे बिल्कुल मैसेजेस खोलना या टाइम नहीं ही मिलता, या पता ही नहीं चलता मुझे, मैं फोन भी नहीं देखती और बस बहुत बिजी हूँ आजकल। तो बहरहाल, बिजीनेस में से मैंने टाइम निकाला है, तो मुझे जो भी मैसेजेस करना हो मुझे यहाँ पे प्रोफाइल पे करें। और हाल चाल नहीं पूछें, आई एम गुड, ब्लेस मी इफ यू कैन, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। और सवाल करें अगर सवाल आते हैं। और बाकी ये टोपी का ज्ञान बहुत जरूरी है, इसका जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस नॉलेज को मैंने 20 साल पहले ये चीज ली थी, क्यों ली थी अब पता चला। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद। मुझे अच्छा लगता है, जिस वक्त मुझे अच्छा लगता है मैं उसी वक्त आप लोगों से बात करती हूँ। वैसे तो हर टाइम ही अच्छा है, हर लम्हा ही अच्छा है, लेकिन आपकी बॉडी, आपका माइंड रिलैक्स कब है? बहुत ज्यादा आप लोगों से अटैच होना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, तो ठीक है, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, कब, जब भी, मैं एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, ऑलराइट।